उसके बाद इकामत का मामला है, जैसे अजान बोलना है, लेकिन अजान और इकामत थोड़ा सा फर्क है। मगरिब में तो जल्दी ही वक्त हो जाता है, बाकी वक्तों में जहाँ की जैसी हिसाब होता है उस एतबार से इकामत जमात वक्त में बोली जाती है। उसके भी कुछ आदाब है, उसको ख्याल रखें। अल्फाज वही हैं जो नमाज के अंदर अजान में बोली जाती है, और इकामत के अंदर सिर्फ जमात ठहरिए कदकामतिसला का एक लफ्ज़ बढ़ जाएगा, और जवाब भी वही देना है आहिस्ता आहिस्ता जैसे अजान का जवाब हमने दे दिया है। कदकामतिसला के वक्त में अकाम अल्लाह अदमहा ये जो है थोड़ा सा बढ़ाना है। अब उसके जो है अदब सुन लीजिए। मसनून तरीका मसनून तरीके पर इकामत कहना है, जो तरीका सुन्नत है खड़े होकर कह देना है। इकामत मस्जिद के अंदर कहना है, मौज़िन का इकामत कहना जरूरी है। अजान एक दे रहा है, इकामत भी बोल रहा है, ठीक है, मौज़िन साहब ने अगर इजाज़त दे दी तो कह सकते हैं। इकामत अजान के मुकाबले में जल्दी जल्दी कहना है, यानी एक वक्त में दो जुमले जिस तरह से कह देना है कि अजान में एक जुमला एक सांस में कहना है, और इकामत में एक जुमला दो सांस में कहना है, दो जुमले एक सांस में कहना है, इकामत में दो जुमले एक सांस में कहना है। इस तरह से बताऊँ मैं भी। इकामत शुरू हो जाने पर वक्त या फर्ज के अलावा कोई नमाज न पढ़े, और इकामत शुरू कोई नमाज नहीं पढ़ना है। इकामत का जवाब देते वक्त खास ख्याल रखना है, अकाम अल्लाह व अदा महा इसका ख्याल रखे। अब जो है फरमाया कि हम नमाज के लिए हम खड़े हुए हैं, तो इस तरीके से हम इकामत बोले, खास करके इकामत के अल्फाज भी लोग बोलते वक्त में इस तरह से बोलना है कि मैं आपको बताएंगा कि जैसे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये हम अजान में एक जुमला बोलते हैं, लेकिन इकामत में ऐसा नहीं है, चारों जुमले एक वक्त बोलना है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله, एक सांस में एक जुमले बोलेंगे, أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, आखिर के अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों जुमलों को मिलाकर ही इकामत में कहे, और खास करके अल्फाज का सही ख्याल रखे। हय्यालस्सलाह हय्यालफलाह में नमाज भी जैसे चेहरा सीधे तरह और बाएं तरफ मुड़ने का हुक्म है, इसमें भी अफजल है कि मौज़िन जो है हय्यालस्सलाह हय्यालफलाह कई वक्त में अपने चेहरे को मोड़ दे। बाद वक्त में इसका असर यह होता है कि जो सफ़ेद ठहरी हुई हैं ये आवाज़ सुनकर लोग दुरुस्त भी हो जाते हैं, और ये सुन्नत और अफजल तरीका भी है। अल्लाह ताला हम सब को इन अल्फाज को सही कहने और हमारे नमाजों को हमारे अज़ानों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बाख़िर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम।